अभी जो बहन कुमारी मायावती को कहा गया है कि मूर्तियों के पैसे जमा कराएं, तो ये कहां तक सही है? क्या इस तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतिहास में सभी लोग मूर्तियां लगाते हुए आए हैं, तो सिर्फ बहुजन समाज के जो नेता हैं उन्हीं के ऊपर ऐसा क्यों? पहले तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है, ये पूरी तरह मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है। सदियों से इन मनुवादी लोगों ने अपने मंदिर, मधुशालाएं, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से अपने स्थापित किए हैं और हजारों लाखों करोड़ रुपए इस देश में बर्बाद किए हैं। और बहुजन महापुरुषों की जहाँ तक बात है, तो बहन जी और उससे पहले के बहुजन महापुरुष थे, आप मैं बात करूँ नालंदा की, तहसीला की, और तमाम बौद्ध जो बौद्ध मंदिर थे, उन सभी को इन ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। आज वही ब्राह्मण न्यायालयों में है, वो नहीं चाहते कि इनकी दोबारा से जो इनका इतिहास था दोबारा से लोगों के बीच में जाए। तो बहन जी ने जो किया है वो मात्र कुछ चंद करोड़ रुपए में किया है, लेकिन न्यायालय को क्या ये नहीं दिखता कि 4200 करोड़ रुपए कुंभ के नाम पर नाश किया जाता है? न्यायालय को ये नहीं दिखता कि 3001 करोड़ की चीन से एक मूर्ति सरदार पटेल की मंगाई जाती है? न्यायालय को ये नहीं दिखता कि बाला साहब ठाकरे का 102 करोड़ रुपए अभी राज्य सरकार ने अनुमोदित किया था? तो न्यायालय पूरी तरह ब्राह्मणवाद से ग्रस्त है, और ये न्यायालय की देखा जाए तो जातिवादी मानसिकता सामने आती है। बहन जी ने अपने बहुजन महापुरुषों को जिन्होंने काम किया है देश में, उनका स्थापित किया है जो आपने देखा हो, और उन जो स्थान जो बनाए बहन जी ने धार्मिक जो बहुजन महापुरुषों के, उससे हजारों करोड़ रुपए तो रेवेन्यू राज्य सरकार को आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं बताता है? मात्र 2009 की किसी रविकांत नाम की याचिका को आप तुरंत ही पटल पे ले लेते हैं, और तमाम ऐसे जो बहुजन समाज में अत्याचारों की फाइलें पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्यों नहीं वर्डिक्ट लेके आते हैं? तो मेरा घोर निंदनीय ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट घोर जातिवादी है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि बहुजन महापुरुषों का अपमान ना करें, नहीं तो बहुजन समाज 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन करेगा इस जमीन पर। बहन कुमारी मायावती बागई में हम सभी बहुजन समाज की आदर्श है, उन्होंने पूरे समाज पूरे देश के लिए बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा अपना जीवन दिया है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महापुरुषों को अगर हमारे अपमानित किया जाता है हम लोग आवाज उठाएं। आपके भाषण में सुदेश जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज के नायकों को जो इतिहास के पन्नों से खत्म कर दिया गया था, उनको दोबारा से लाने का कार्य करा था बहन कुमारी मायावती ने, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।